नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ममता ने की मोदी से मुलाकात। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री से बंगाल के कर्ज में रियायत पर बात हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि यह कर्ज हमारी सरकार ने नहीं बल्कि वामपंथी सरकार के समय लिया गया था। ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार की तारीफ भी की। मसरत मामले में मोदी बोले, अलगाववाद से कोई समझौता नहीं। अलगाववादी नेता मसरत आलम के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की मांग के बाद संसद में बयान देते हुए कहा कि देश की एकता और अखंडता से हम समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सदन और देश को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने के बाद जो कुछ भी राज्य में गतिविधियां हो रही है वह भारत सरकार से सलाह लिए बिना हो रही है और न ही उन्हें इसकी जानकारी दी जा रही है। जम्मू कश्मीर राज्य में हो रहे फैसलों से हमारी सहमति नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की एकता के संबंध में दुनिया में गलत संदेश नहीं जाना चाहिए और कृपया करके हमें देशभक्ति ना सिखाएं। उन्होंने कहा कि हमने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है, राज्य से इस संबंध में स्पष्टीकरण आने के बाद सदन को जानकारी दी जाएगी और संविधान की मर्यादा में कदम उठाए जाएंगे। एक और अलगाववादी को रिहा करने की तैयारी। एक और मसरत आलम को रिहा करने पर हंगामा मचा हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर की पीडीपी भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने एक और अलगाववादी नेता को रिहा करने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि जम्मू कश्मीर की सरकार आने वाले दिनों में अलगाववादी नेता आशिक हुसैन फक्तू को रिहा कर सकती है। उल्लेखनीय है कि फक्तू 22 साल से श्रीनगर जेल में बंद है। यदि मुफ्ती सरकार फक्तू की रिहाई के फैसले को अमल में लाती है तो भाजपा की मुसीबत और भी बढ़ सकती है। बैन के बावजूद आगरा में दिखाई गई निर्भया डॉक्यूमेंट्री। भारत सरकार के प्रतिबंध के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडियाज डॉटर का आगरा के आंवलाखेड़ा के नजदीक एक गांव में सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया। इस फिल्म का प्रदर्शन स्टॉप एसिड मूवमेंट से जुड़े केतन दीक्षित ने कराया। दीक्षित ने कहा कि फिल्म का प्रदर्शन हमने इस पर लगे बैन के विरोध में किया है। फिल्म देखने के लिए 60 से 70 ग्रामीण इकट्ठा हुए थे। हालांकि बताया जाता है कि पुलिस ने दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया है। ये थे आज के मुख्य समाचार और अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए webdunia.com।